Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal in front of you. Today I am going to teach you a new topic related to electrostat, that is electric field due to dipole. अब electric field due to dipole अगर हम लोग जानना चाहें ना तो उसके लिए बहुत ही आसान टॉपिक है ये एक्चुअल में क्या है कि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है अगर हम लोग नहीं बेहतर तरीके से इस चीज को आप कितना बार भी पढ़ो भूल जाओगे अगर आज हम इसको फुल एफर्ट लगा लेना तो हमको लगता है कि फिर आप बड़ा मजा करोगे इस चीज को देखो तो कैसे कैसे सोचना है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तो इस चीज को अगर हमको समझना पड़ेगा ना तो इसके लिए हमारे पास रफ होना चाहिए दैट मीन्स क्या हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होगा तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना है किससे पोटेंशियल ग्रेडियंट के मतलब डेवा वी बाय डेवा अब ये चीज है ये चीज है चेंजिंग इस चीज को हम लोग कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल वेल जब इस चीज को कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं अब ये डिस्टेंस क्या होता है ये चीज जान जिस डायरेक्शन में लेते हैं उसका डिस्टेंस लेते हैं ये कोई चीज ये नहीं कि आज दिया तो डिस्टेंस होता है इतना चीज आप जान अब क्या करते हैं सर एक डायपोल बोला जा रहा है ना डायपोल तो डायपोल के लिए आप सबसे पहले एक डायपोल सिस्टम बनाओ तो डायपोल सिस्टम आप बनाने के लिए यहां पर यहां पे ये एक चार्ज हुआ यहां पे दूसरा चार्ज हुआ देख लीजिए इस चार्ज पे माइनस क्यू चार्ज देते हैं मतलब इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है गौर से दोनों का सेपरेशन अगर हम लोग ने डी माना अगर दोनों का सेपरेशन हमने डी माना आवर इंटरेस्ट है मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या है हमारा चाहत क्या है हम क्या निकालना चाह रहे हैं हम निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर सपोज करो ये पॉइंट पी है इस पॉइंट पर हमको ई निकालना है मतलब क्या we are interested to find out the ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके नाम डायपोल कहां पे एट अ पॉइंट पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चीज को आप नोटिस करो अब आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं कि एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं दैट मीन्स बाइसेक्टर जहां पे होगा उसको ले लेते हैं तो ये वाला पॉइंट हो गया इसे और इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं बस देख रहे सर आपने प्रीवियस जब हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे क्या चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल तो ये दूरी हम लोग आर माने थे ये वाला चीज अच्छा ये जहन में आप मत करना ये परपेंडिकुलर अगर आपको लग रहा है परपेंडिकुलर तो इसको क्या करें थोड़ा सा इरेज करो और इस तरह से आएंगे ये पॉइंट ये मेरा थीटा है अब क्या होता है कि आपके पास इस तरह का सिस्टम हुआ सर इस पॉइंट पर देखो पी पॉइंट है ना पी पॉइंट पर वी कितना समझ पा रहे तो पी पॉइंट पर वी कितना तो हमारे पास पी पॉइंट पर वी कितना तो हम लोग वी पी बोल सकते हैं अच्छा कि पिछला क्लास जो था मेरा प्रीवियस क्लास जो था उस क्लास में हम लोग क्या कहते कि ये सर देखे थे कि सर पी के पी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर आर क्या हुआ ये दोनों का डिस्टेंस अब क्या होता है कि इस चीज को अपने लोग जहन में रखें अब क्या होता है कि यहां पे के क्या है तो आप जानते हो के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 pi epsilon 0 जिसका मान होता है 9/9 इसी तरह से पी क्या है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है तो कोई भी एक चार्ज है इनटू डिस्टेंस इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है क्यों क्योंकि इस पे पोजीशन पे डिपेंड करता है अब वो सब चीज बाद की बात है हम लोग इतना चीज जाने अब आते हैं सर इस पर निकालना है क्या चीज निकालना ई निकालना सर अवर इंटरेस्ट क्या है फाइंड आउट द ई एट अ पॉइंट ई पी मतलब ई पी इज इक्वल टू व्हाट सर अब क्या है कि देखो बाबू दो चीज इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई चीज है ये एक सी ए वाई दो एक्सिस लेते हैं या दो रिप्रेजेंटेशन जो भी दो एक्सिस या दो वेरिएबल लेते हैं तो एक सीधा लेते हैं वाई इस पर एक परपेंडिकुलर लेते हैं मतलब क्या दोनों वेरिएबल अमूमन क्या होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है इस बात को आप ध्यान दिया एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है अब वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि एक्स भी बदलेगा वाई भी बदलेगा अब यहां पर ढूंढेंगे कि कौन कौन सा चीज बदल सकता है तो देखो कौन कौन सा चीज बदल सकता है तो यहां पे क्या है हमको ये निकालना है हमको वेरिएबल भी ढूंढना है तो वेरिएबल जो ढूंढेंगे देखो हो सकता है ये पॉइंट यहां हो
हो सकता है ये पॉइंट यहां हो। तो देखो तो अगर यहां हुआ तो थीटा बदल गया कि नहीं बदल गया, ये वाला चीज पहले बड़ा था छोटा हो गया, अब आर भी बदल गया कि नहीं बदल गया। तो मतलब क्या हुआ, आर एंड थीटा इस वेरिएबल, इसका माने क्या हुआ, आर और थीटा एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर कट होगा, चलो अब आते हैं यही चीज को हम लोग पढ़ते हैं। सर इस पॉइंट पर जो जो मेरा पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो गौर से, ई ड्यू टू आर क्यू, ये डिस्टेंस ना हम लोग बोले थे ना, ये डिस्टेंस देखो, क्योंकि हम यहां पर लिखे पोटेंशियल, यहां पे देख लो इस चीज को, आप पॉज करना इस चीज को, ई इक्वल टू माइनस डेवा वी डेवा, ये आर क्या डिस्टेंस ना, मतलब क्या सर, वी तो है यहां पे और इस डिस्टेंस में वेरिएबल के बारे में सोच रहे, तो मेरे पास ई ड्यू टू पोजिशन, सर पोजीशन क्या है, तो हम लोग कह सकते ई आर, आर वेरिएबल है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लिखेगा, तो वही पुराना वाला माइनस डेवा वी बाय डेवा आर। सर डेवा क्या है, तो डेवा है, ये मेरा वी कितना है, तो आप बताओ वी कितना है, के क्यू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या डेवा आर, आर के रिस्पेक्ट में करना है। जब इतना चीज आप सोचे समझे तो फिर आप लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैसे सोचते हैं हम लोग इस चीज को, अगर सोचते हैं तो ये चीज होता क्या है कि यहाँ पे आप, चूंकि जो लैक ऑफ स्पेस हमको इतना मिटाना पड़ता है, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, ई आर, और ई आर बराबर क्या था, माइनस माइनस सर वेरिएबल कहाँ, ये पीस वेरिएबल कहा था कि नहीं, नीचे में जो भी चीज रहेगी थी, तो सर मेरा आर वेरिएबल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के पी कॉस थीटा, ये तो मेरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल मेरा आर है, तो ये सब जो जो चीज मेरा कॉन्स्टेंट है, ये वाला मेरा जो चीज कॉन्स्टेंट है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया, बचा क्या डेवा, डेवा और ये वाला जो चीज नीचे था ऊपर जाएगा तो कितना लिखेंगे यहां पे, माइनस टू डेवा आर। क्या आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, क्या आता है डिफरेंशिएशन, कौन सा फॉर्मूला, तो ये एक्स टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन, यही चीज में होता है। इस चीज को अगर हम लोग देखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के पी कॉस थीटा इन टू, सर यहाँ पे एन के जगह पर माइनस टू लिखेंगे और एक्स के जगह पे आर लिखेंगे और फिर क्या एन के जगह पे क्या माइनस टू माइनस वन, इससे ज्यादा कुछ हो रहा है क्या सर। तो अपने पास ई आर ई आर ई आर ई आर इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग आर या ड्यू टू आर इज इक्वल टू टू के माइनस माइनस प्लस कर देगा पी कॉस थीटा अपॉन व्हाट, तो ये आर की, ये हमारा ये हो गया। अब आपके पास देखिए तो गौर से पोजीशन वेक्टर मेरा किधर हो गया, इसका यहां से यहां ना, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर ई आर एस, समझ पा रहे हैं, एकदम समझ में आया आपको, देखिए ई एट पी ड्यू टू किसके रिस्पेक्ट में, डी सर डी से पी की तरफ, डी से पी की तरफ क्लियर हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सन होगा तो उधर भी जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, इतना चीज जब आप समझ गए हैं पूरी तरीके से, तो वो बताओ कि मेरा जो थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, थीटा वाला कंपोनेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब की तरह अगर पहले बोले थे कि एक्स और वाई एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यहां पर आर और थीटा भी क्या होगा एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो सर आर वाला कंपोनेंट तो इधर हो गया, इधर मेरा क्या आएगा, थीटा वाला कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, होगा 100%। तो इस चीज को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे मिला देते हैं, मिलाने के बाद ये वाला डिस्टेंस अपने को ढूंढना है, समझ पा रहे हैं, पहले तो ये वाला डिस्टेंस ढूंढ लिए आर था, अब ये वाला डिस्टेंस बताओ तो कि अगर ये थीटा है तो ये वाला चीज क्या होगा मेरा डी थीटा, इसमें कोई किसी को दिक्कत हो रहा है, जब ये डी थीटा हुआ, देखो मे बी आपको थोड़ा सा गंदा फिगर हो गया होगा लेकिन इसको आप समझ सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, अगर ये मेरा थीटा है तो मेरा डी थीटा, ये मेरा आर था तो तुम्हारे पास ये तो मेरा आर है सर, थीटा बड़ा एल बाय आर होता है या नहीं होता, तो एल मीन्स व्हाट, मान लीजिए क्यू है तो पी क्यू अब ये आर, तो सर पी क्यू तुमसे पूछा जाता, मतलब पी क्यू डिस्टेंस अगर तुमसे पूछा जाता आर डी थीटा बोलते या नहीं बोलते,
क्योंकि ये तो छोटा ही है ना। अब आते जब ऐसा चीज आपको समझ में आ जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए E थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सेकंड स्टेप मेरा क्या हो गया, E थीटा निकालना। सर E थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बहुत ही आसान है। E थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं सर, माइनस डेवा बी वाई। सर डिस्टेंस अलोंग व्हाट, सर इस डायरेक्शन में निकाल लेते डिस्टेंस मतलब अलोंग पी क्यू, पी क्यू डायरेक्शन में। सर पी क्यू डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है था? देखो तो बोला E theta is equal to minus deva v, v is equal to what book? तो dv v v देखो तो यहां पे क्या निकालेंगे, k p cos theta upon r square। और डिस्टेंस बताओ तुम्हें अभी कितना निकाल चुके हैं pq, तो सर pq डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या r into d theta निकाल चुके हैं। कितना आसान है, बहुत टफ है नहीं तो, इसको तो हम टफ कह ही नहीं सकते। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं और सोच जब डेवलप हो जाता है तो अगर हम लोग देखें तो यहां पे वेरिएबल क्या है, ये वाला चीज थीटा वेरिएबल है या r वेरिएबल। इस कंडीशन में नीचे में जो भी डिनोमिनेटर में जो चीज रहेगा उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो थीटा वेरिएबल तो मतलब ये दोनों चीज वेरिएबल, बाकी सब कुछ क्या रहेगा बाहर आ जाएगा। तो देखो तो के पी अपॉन आर क्यूब, देखो तो एक आर ये है, ये आर स्क्वायर ये था, आर क्यूब हो गया। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमको कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सर इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, इस इसको हम लिख देते हैं। अब माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो ई थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देखो गौर से ई थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो सर आप बोलोगे ना सर माइनस माइनस प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, क्या कोई दिक्कत हो रहा? नहीं हो रहा। अब आगे हम लोग आते हैं, जब आप जो है इस चीज को देखो आपको